लड़का लग रही हूँ मैं तो पूरी। तो गाइस रेडी है मेरा बेडरूम। चिटकी चिटकी बहुत मजा आ रहा है यार। क्या है हाँ पागल हो गई क्या? हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ महजबी और आज मैं रहने वाली हूँ बाथरूम में, वो भी 24 घंटे के लिए। तो मैं हर जगह रह चुकी हूँ और थोड़ा बाथरूम ऊपर से ले लूँ 24 घंटे रह के और देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बाथरूम में भाई क्या कर सकते हैं। बाथरूम में भाई मैं पूरे टाइम नहाती रहूंगी, क्या करती रहूंगी समझ ही नहीं आ रहा। तो चलो इस वीडियो को देखने से पहले आप जल्दी से लाइक कर दो और चलो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा बाथरूम कि मैं रहूंगी कहाँ पे। आगे अगर आपको मेरा बाथरूम देखना है तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी। कर दिया लाइक, तो देखो खुल जा। ये है मेरा लग्जरी बाथरूम। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मेरे बाथरूम का टूर दे दूँ। मेरा जो ये बाथरूम है मतलब आज के लिए मेरा एक बेडरूम है, ठीक है, तो मैं इसको बेडरूम बोलूंगी। तो ये है मेरी चेयर और ये है मेरा बड़ा सा मिरर जिसमें मैं खूब 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 के मेकअप करूंगी, खुद को देखूंगी, फेस बनाऊंगी, फोटो खींचूंगी। सबसे जो मेरी अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये। और मेरे बाथरूम में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये है बॉडी लोशन, ये है शावर कैप। भैया मेरे बाथरूम में आपको क्या नहीं मिलेगा, सुई धागा तक है बताओ। टूथब्रश तो मैं ब्रश भी करके दिखाऊंगी, क्या करूंगी बैठ बैठे टाइम पास करना है। यहाँ पे अगर आप मैं बाथरूम में बोर हो रही हूँ तो मैं यहाँ पे कॉल वॉल भी कर सकती हूँ अपने फ्रेंड्स को। इधर आओ फोन दिखाओ मेरा, लग गया है तो ये तो अटक गया है। हेलो ये तो मेरा बेडरूम है, अब मैं आपको बेड दिखाती हूँ मेरा। वो है ये, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं नहाती नहीं हूँ तो यहाँ पे फिर जबरदस्ती ये सारी चीजें रखी हुई हैं। कंडीशनर, बॉडी शैम्पू और ये है बॉडी वॉश। कोई किसी काम करने बस ऐसे ही ले जाऊंगी चुरा के। और मेरी बेडशीट ऊपर रखी है, बेडशीट दिखाओ भाई। तो चलो मैंने आपको मेरा बाथरूम टूर दे दिया, सारा सामान ले आती हूँ यहाँ पर और बेडशीट भी छा लेती हूँ ताकि मैं आराम से यहाँ पर रह सकूँ। तो चलो तो सबसे पहले तो मैं अपना मेकअप का पिटारा उठाऊंगी, खाने की चीजें। और मेरी कॉटन कैंडी किसी ने खा ली, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरे हाथ में इतना ही सामान आएगा, जैसे लग रहा बाथरूम में सामान कम पड़ जाएगा, मतलब लाइट वाइट अगर कम पड़ेगी तो निकाल के ले जाऊंगी। तो मैं इस वाले एरिया को बना लू अपना किचन पर, इसमें खाना वाना नहीं बनाऊंगी लेकिन ऐसा दिखाऊंगी मैं कि ये खाना मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो चलो खाने की चीजें रख देती हूँ यहाँ पे और ये रख दिया मैंने पूरा मेकअप का पिटारा। तो ठीक है खाने का मेकअप का सब कुछ हो चुका है, अब बस बेड बनाना है मुझे। बेड के लिए ब्लैंकेट खींच के लाऊंगी इनका। गाइस ये मेरा मेट गाला तो वो है आउटफिट बरसाती। चलो मैं रैंप वॉक करके दिखाती हूँ आपको। अरे भाई ये क्या है, वाह 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 वाह। बाथरूम में रहने के लिए इतनी मेहनत, उफ अल्लाह। यहाँ पे मैंने अपना वो सारा ताम झाम फेंक दिया, बेड शीट निकाल ली जो भी नई बेड शीट बिछा दो भैया। क्या क्या नौबत आ रही है यार यहाँ पे, तो हंसी आ रही है इस वाले चैलेंज में, मजा आएगा रहने में जो बात है। बेडरूम जरा एक बार आप नजर तुम्हारे मेरे बेडरूम में, ये देखो ये मेरा ब्लैंकेट और ये ऐसे बेड। वाओ यार मैं अपनी कुछ और भी चीजें उठाकर ले आई हूँ भाई, ये सारी चीजों के बिना थोड़ी ना काम चलेगा। ये कॉफी बनाने के लिए भी मेरे पास वाटर बॉटल और ये मैंने लिया है, मैं आपको दिखूंगी कैसे। अभी तो मैं फिलहाल बहुत ज्यादा थक गई हूँ यार, मेरी तो सांस हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर आराम करूंगी उसके बाद कुछ खाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर ऐसे ही आराम करूंगी और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे, बाय। तो गाइज मैं अभी सोकर उठ चुकी हूँ और मेरे बाल वालों की हालत देखो कैसी हो गई है। पहले अपना हुलिया ठीक कर लेते फिर से। मैं आपको चीज बता रही हूँ, जो चैलेंज है ना बाथरूम में रहने के लिए, ये मेरा फेवरेट बन जाएगा क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। मतलब बाथरूम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें मजा भी आए, तो इसमें मजा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। और अब मैं खाऊंगी थोड़ी सी
बैठ पे बैठ के खाऊंगी मैं अपने। तो मेरे बाल बाल थोड़े से गंदे हो गए थे तो मैंने ठीक कर लिया। आप लोगों में से किस किसने ये वाला खाया है मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ये ऐसे निकालो और ऐसे काटो और खाओ, पर मैं अभी खा नहीं सकती क्योंकि मुझे बोलना है। तो अभी मैं इसको जरा फाड़ कर देखती हूँ इसमें क्या है। ये है हमारा शार्क है। तो मुझे नहाना तो नहीं है लेकिन फालतू में वैसे पहन के घूमूंगी, जब ये दिया है तो यूज करूंगी सारी चीजें। हमारे पास शेविंग किट थी, मैं इससे थोड़ी कर सकती हूँ कुछ, ये तो लड़कों के लिए। और ये देखो क्रीम भी दिया है, तो ये मेरे हिसाब से मेरे काम का तो नहीं है क्योंकि अगर मैंने ये कर लिया तो फिर मेरी दाढ़ी हो जाएगी यहाँ तक की और मैं बहुत बुरी लगूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लगूंगी, अगर मैंने ये कर लिया तो फिर मेरे बाल आ जाएंगे। गाइस मैंने शेविंग कर लिया था और देखो मेरे साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ ये तो। अब ये हो चुका मेरे साथ, लड़का लग रही हूँ मैं तो पूरी। ओह भी ग्रीन कलर की दाढ़ी यार, कितनी बुरी लग रही हूँ मैं। अच्छी ऊपर से बाल हैं। और यहाँ पे हमें मिला है सुई धागा, वाह वाह वाह, सारे कलर के धागे हैं और ये सेफ्टी पिन है। अब तो बड़ी बॉडी अच्छी हो रही है मेरे से, मतलब इतनी देर तक सही था। स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई नई चीज है नई जगह रहना है, लेकिन अब बोरियत हो रही है। मेरे पास वैसे एक सिंगिंग माइक है तो मैं इससे गाना गा सकती हूँ। और आज के लिए ओ भाई अगर मैंने ये गलती से चला दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी, सब कुछ गीला गीला हो जाएगा। तो अभी मैं इस माइक से आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ जिससे आपके कान और तन बदन में आग सी लग जाएगी। नीचे हो गया भाई, मैं सोऊंगी कहाँ, ये पूरा बिस्तर गीला हो गया। तो अभी के लिए मैं बनी हूँ जियान, मैं हूँ जियान मैं हूँ सबसे ताकतवर, मेरा गाना है बहुत सुरीला। कैसा लगा आपको मेरा गाना प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप लोगों को डोरेमोन पसंद है या नहीं ये भी बताना। जैसे कि ये वॉशरूम और बाथरूम है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में ना, मतलब बाथरूम और वॉशरूम से ना रिलेटेड कुछ भी इमोजी जो होती है ना वो कमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। मैं अपने रूम को गंदा नहीं रखती इसलिए मैं सारी गंदगी जो है मैं फेंक दी है। ओ मेरे गुची के चप्पल नहीं दिखाया आपने, गुची गैंग। थोड़ी और बोरियत सी हो गई यार, फ्रेंड से बात करने का टाइम आ गया। कौन बोल रहे? अरे हम बोल रहे? नहीं जानते, हमका नाम भी होता है ना। हेलो रेखा चाची कैसी हैं आप, पिंटू की शादी कर दी, मुझे तो पूछा भी नहीं आपने, कितनी गंदी हो गई आप। मैं आपकी इकलौती भतीजी थी तो मुझे तो पूछना चाहिए था ना। मेरी रेखा चाची ने पिंटू की शादी कर दी वो भी मेरे बिना। ना मैंने जूते चुराए ना कुछ किया। रेखा चाची आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म, बस अब मुझे अकेला छोड़ दो, वॉशरूम में रोते भी है ना अकेले, अब मुझे रोने दो। ओ भाई किसकी कॉल है, मेरे घर पे आ रहे हैं कुछ मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट, तो चलो देखते हैं वो कब तक आते हैं, चलो आओ उसका वेट करते हैं हम लोग। हाय अल्लाह बहुत बोरियत हो रही है, कब आएंगे मेरे फ्रेंड्स, हमेशा के हमेशा वही चीज कर दी थी, मेरे फ्रेंड्स नहीं आते। कौन लगता है बहुत सारे लोग आए, चलो दिखाती हूँ कौन कौन है। कुछ मेरे ऐसे खक्कर फ्रेंड्स यार, मेरा पूरा रूम गंदा कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। फिर भी चिटकी चिटकी ओ माय गॉड, वाओ यार रूम बना लिया पूरा, कैसा लग रहा है। चप्पल उतार के जाना, ये कौन सा गेस्ट होता है भाई ऐसे, अभी गिर रहा था पानी। ये कैसे मेहमान है जो पहले यहाँ पे, देखो ऑर्डर करो मान ले। ओफो मेहमानों को कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, ये भी चाहिए क्या। मेरे जो फ्रेंड्स है ना बहुत ज्यादा भुक्कड़ फ्रेंड्स है, मतलब ना मेरे से बात की ना कुछ की और ये तीनों अपने आप में लग चुके हैं। कैसा लगा मेरा रूम, अरे बहुत ही अच्छा है, पर तुम जो नहाती नहीं हो तो तुम्हें नहाने के लिए दिया कि तुम लेटी लेटी नहा सकते हो, तो लेटी लेटी नहाना है यहाँ पे तुम्हारे लिए सारा। अभी सो के उठती, मेरे सोफे पे क्यों नहीं बैठ रहा कोई, ये देखो सोफे पे बैठो यार। गाइस मेरे गेस्ट का जाने का टाइम हो चुका है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो अभी बहुत मजा आ रहा था। बाय बाय, निकलो बस इतनी देर तक नहीं खेल सकती, बाय बाय।
इन लोगों ने तो मेरा पूरा रूम गंदा कर दिया, बिल्कुल भर दिया है सब कुछ। बताओ जरा मेरा, ये देखो नीचे की हालत दिखाती हूँ आपको, ये देखो कैसे खिसका विस्का दिया, देखो ऐसी हालत थी मेरे रूम की। और इतने बड़े चोर थे मेरे ये वाले फ्रेंड्स की, देखो यहाँ पर से बस एक ही चीज इन लोगों ने छोड़ी है, बाकी सारी चीजें ये लोग चुरा कर लेकर गए, चोर सारे के सारे। तो गाइस यहाँ पे मैं बैठे बैठे बोर हो गई हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम हो गया मुझे रह रहे कि मैं पागल हो रही हूँ। आपको टाइम बता दूँ, अभी बज गए हैं 11:30 यहाँ पर, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतनी देर तक मैं नहीं रह सकती। मैं तो ज्यादातर यहाँ पर सोई हूँ बहुत ज्यादा, मेरा मेकअप वेकअप सब खराब हो गया। क्या है? हाँ पागल हो गई क्या? क्या हो गया? क्यों? क्या करना है? अरे करना क्या है? क्या करोगी? इसको वॉशरूम जाना है यार, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अंदर हूँ। नहीं अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ यार। तो यार तेरा चैलेंज खराब हो जाएगा। मेरा चैलेंज खराब हो जाएगा, तुम अंदर आओगी तो फिर मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं अगर मुड़ जाती हूँ तुम जाओ फिर। नहीं बिल्कुल भी नहीं, निकलो बाहर, मैं नहीं करती हूँ। चैलेंज टूट जाएगा यार, तुम हमेशा मेरी दुश्मन बनी क्यों रहती हो? नहीं वेट होगा यार, जल्दी जाओ बाहर। हमेशा क्यों दुश्मन बन जाती हूँ? सब कुछ खराब कर देती हूँ, अच्छा खासा चैलेंज कर रही हूँ, 24 घंटे तक हो जाएगा। प्लीज यार मेरे लिए यार अर्जेंट है यार, तुम इसमें ये तो वो है, मतलब तुम कैसे रोक सकती हो इस चीज को? तुम नाटक तो नहीं कर रही मुझे हराने के लिए? नाटक क्यों करूंगी, एक ये वो चीज होती नेचुरल है यार, किसी को भी हो सकता है भाई। वॉशरूम नहीं गई मैं, ना नहाई ना कुछ करा, सुबह से मैं नहाऊंगी, बाल बाल धोऊंगी रात में ना। तो यार मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, जबरदस्ती मेरा चैलेंज तोड़ दिया इसने। चलो ना भागो यहां से यार, निकलो यार। इसने सारा मतलब पानी फेर दिया मेरे पूरे चैलेंज पे, देखो अंदर चली गई है, अब मैं क्या करूं, मैं तो हार गई। देखा मेरा प्लान कितना अच्छा था, मुझे तो वॉशरूम जाना भी नहीं था, लेकिन मैंने इसको बाहर निकाल दिया और मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने चैलेंज किया था अभी अभी, जिसमें मैं उससे छुपी थी और उसने मुझे ढूंढ लिया था, अब मैंने इसका बदला ले लिया है। और जैसे कि मैं हमेशा सारे चैलेंजेस खराब करती, तो मैंने इस बार भी किया, जो कि एक जरूरी चीज थी जो मुझे करनी थी, तो मैंने कर दिया। तो आप लोग बताना मेरा आपको ये प्लान कैसा लगा, और ये नाटक अच्छा किया ना मैंने? तो यार ये पता नहीं क्या ही कर रही है बाथरूम में, लेकिन छोड़ो इसको, मेरा चैलेंज तो खराब कर ही दिया ना इसने, कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती मेरे साथ। तो बस यही पे खत्म होती है मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाओ और जाके फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।